जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में हुई 4 लोगों की हत्या व भीलवाड़ा जिले की घटना को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी निभाई ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समीर अहमद और सचिव शफीक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में हत्या व राजस्थान के राज्यपाल के नाम भीलवाड़ा जिले में हुई घटना को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। पार्टी अध्यक्ष समीर अहमद ने बताया कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में हुई 4 लोगों की हत्या व भीलवाड़ा जिले में हुई घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से आरोपी फांसी की सजा की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला सचिव सद्दाम नागौरी, नगर सचिव सद्दाम शेरा, समीर मंसूरी, रहीम आसिफ, सिराज खान, साजिद व शाहरुख सहित कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निवाई टोक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है। जो अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन के अंदर कुछ लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उन लोगों को जो हत्या करने वाला था उसने न्यूज़ चैनलों को देखकर और खुद की मानसिकता को ख़राब करते हुए उन लोगों की हत्या ली। वो जिनकी हत्या की गई वो बहुत गरीबी लोग थे, बहुत परिवार गरीब परिवार के लोग थे। इसमें हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मारे गए। हम उनसे और उनके घर परिवार वालों के साथ शोक निंदा के अंदर खड़े हुए हैं और इस दुख तकलीफ में हम उनके साथ हैं। और इसी को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उनके परिवारजनक से मिलकर और उनके लिए जो परेशानी हुई है उनकी सहायता की मांग की और हम राज्य सरकार से और जो राष्ट्रपति मोदी और राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिया है, हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को और जो असगर अली है और जो कांस्टेबल है थानेदार पुलिस सवाई माधोपुर के उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले और उनके और जो साथ ही हमने और जो भीलवाड़ा के अंदर एक नाबालिग लड़की जो बकरियां चला रही थी उसके साथ कुछ लड़कों ने आदमियों ने उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार किया और उसकी सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके शव को कोयले की भट्टी में जल्दी के अंदर उसको डाल दिया और उसकी वह शव जल के राख हो गई। बहुत खतरनाक ये निंदा है। हम राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि उस लड़की को और उनके परिवार को इस न्याय मिले और उनके परिवार को भी उचित मुआवजा मिलकर उनके परिवार को भी सरकारी सहायता मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। इसी तरफ से हमने सोशल हत्यारों को, बलात्कारियों को, SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, SDPI का